वेलकम टू इशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रीता होने वाली है काफी ज्यादा इमोशनल, वो भी यहाँ पर राजवीर को लेकर। आने वाले एपिसोड में शौर्य अब यहाँ पर बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा, उसका गुस्सा फूटते हुए नजर आएगा। आने वाले एपिसोड में प्रीता को लेकर अब ऋषभ कई सारी बातें सोचेगा, साथ ही साथ यहाँ पर करण के मन में भी प्रीता को लेकर बातें चल रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ा और बेहतरीन ट्विस्ट तो अब आने वाला है, राजवीर को लेकर पलकी इनसिक्योर फील करने वाली है, अपनी बहन से ही वो यहाँ पर कुछ बातें करने वाली हैं और आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ खास होने वाला है जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा चौंकने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बताते हैं, उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आने वाले एपिसोड में शौर्य की इतनी ज्यादा बुरी बेइज्जती करने के बाद में शौर्य का गुस्सा अब यहाँ पर सातवें आसमान पर है, जहाँ पर वो अब बदला लेने की पूरी तरह से यहाँ पर राजवीर से कोशिश किया वो पूरी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए भी नजर आएगा। राजवीर से वो बदला भी लेगा, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर करण आने वाला है, क्योंकि करण यहाँ पर अब शौर्य को सबक सिखाने वाला है। आखिर में उसने यहाँ पर इतना गलत किया तो या फिर वह इतनी आसानी से कैसे बच सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर इसी वजह से अब करण प्रीता के बारे में सोचते हुए नजर आएगा कि प्रीता होती तो शौर्य ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ यहाँ पर अब आने वाले एपिसोड में कई सारी बातें आएंगी, वो भी ऋषभ के मन में, कि आखिर में वो सच में क्या प्रीता जी थी, क्या प्रीता जी के बारे में सोच रहा हूँ सही है या फिर गलत है, ये सब उसके बारे में सोचते हुए नजर आएगा। लेकिन में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहाँ पर अब पलकी और उसकी बहन के बीच में बात होगी। सबसे पहले यहाँ पर पूरी तरह से बातें आगे बढ़ेंगी और उसके साथ साथ बातें आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पलकी की बहन बोलते हुए नजर आएगी कि आखिर में राजवीर भी काफी ज्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पर शौर्य और राजवीर के बीच में अटक जाती हूँ। शौर्य के पास में पैसा है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, उसके पास में इतना पैसा है कि मैं आराम से ऐश कर सकती हूँ, लेकिन राजवीर के पास में रहने पर मुझे काफी ज्यादा प्यार मिलेगा। अगर यहाँ पर राजवीर एक ही गाड़ी अफोर्ड कर लेगा तब भी मेरे लिए बहुत कुछ रहेगा। ये बातें सुनते ही अब यहाँ पर पलकी के मन में एक थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है, वो यहाँ पर थोड़ी बहुत इनसिक्योर हो जाती है राजवीर को लेकर। लेकिन तभी उसकी बहन यहाँ पर उसकी इनसिक्योरिटी को नोटिस करती है और सवाल पूछ लेती है कि आखिर में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या तुम भी कहीं राजवीर से। तो ये बात सुनते ही यहाँ पर पलकी अपना सर झुका लेती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर पलकी की बहन काफी ज्यादा अच्छे से इस बात को मैनेज करती है, वो यहाँ पर अपने दिल की बात रख भी देती है और पलकी को यहाँ पर थोड़ा इनसिक्योर फील करा के निकल लेती है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।